हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये फिटिंग कुर्ते की कटिंग, जो चूड़ीदार कुर्ता होता है तो उसी की कटिंग हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसा कि हम इसकी साइज़ बता दें आपको, इस कुर्ते की लंबाई है 32 इंची और इसका जो सीना है 38 इंच है और शोल्डर 18 इंच है। आस्तीन की लंबाई 24 इंच है और गला 15 इंच और कफ का लंबाई है 8.5 इंच है। तो इसी साइज़ से हम आपको कुर्ती कटिंग बताएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो इसके लिए हमको 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने ऐसा इस तरह से कपड़े को घड़ी किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर लाइन खींच देते हैं, एक सीधी लाइन, और यहाँ से हम लंबाई का नाप लेते हैं। जैसा कि हमारी लंबाई 32 इंच है तो हम यहाँ 33 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा हम छोड़ेंगे। और शोल्डर हमारा 18 इंच है तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे और आधी इंची सिलाई के लिए। और सीना जैसा कि हमारा 38 इंच है, यानी चौथा भाग 9.5 इंच आएगा, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंची हम इसमें कम करेंगे, थोड़ा फिटिंग कुर्ता है। और यहाँ से हम पूरा 9.5 इंच पे लेंगे यहाँ से भाग से, और इसमें लूजिंग हम 1.5 इंची लूजिंग देंगे क्योंकि फिटिंग कुर्ते में 1.5 इंच लूजिंग दिया जाता है। अगर इससे आप ज़्यादा लूजिंग देना चाहते हैं 2 इंच रख सकते हैं, नहीं तो फिर 1.5 इंच रखते हैं। तो हम नीचे भी यहाँ एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं हम ये सीने वाला भाग पे, और शोल्डर वाला भी लाइन हम इस तरह से खींच देते हैं। ये थोड़ा सा भाग डाउन रहना चाहिए, और यहाँ आर्म होल का हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। और साथियों, शोल्डर डाउन करने के लिए हमको 2.25 इंच की ज़रूरत है, हम यहाँ 2.25 इंच निशान लगाएंगे। गला हमारा 15 इंच है तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ 2.5 इंच पर, और इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे क्योंकि गोल गला रहेगा। और कमर का निशान आपको नापना है, कमर का हिसाब यहाँ से हम 15 या 16 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 15-16 इंच कमर का आता है। तो हम यहाँ भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ जैसा कि हमारा 38 इंची सीना था तो 36 इंची हमारा कमर है, तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ भी हम 1.5 इंची लूजिंग देंगे यहाँ पर इस तरह से। और हम अब जैसे कि फिटिंग कुर्ते का बॉटम कितना रखना है आपको, इसका भी ध्यान रखें आप। जैसा कि अगर लूज कुर्ता रहा तो ज़्यादा रखा जाता है, तो बॉटम हम रखेंगे, यानी हमारा चौथा सीने का चौथा भाग 9.5 इंच आएगा, और यहाँ से हम 3 इंच लूजिंग इसमें एक्स्ट्रा देंगे। आप देख सकते हैं 3 इंच लूजिंग दे दिया इसमें, और इसमें हमको 0.5 इंची कम कर देना है, तो हमको 12.5 पर निशान लगा देना है क्योंकि ये फिटिंग कुर्ता है। अब हम सीधे राउंड वाला स्केल लेंगे, इस तरह से हम यहाँ निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से हल्का डाउन करेंगे इस तरह से, और हम सीधे वाले स्केल से लेकर के यहाँ नीचे तक लाइन खींच देंगे यहाँ तक इस तरह से। तो जैसा कि दोस्तों, ये हमारा मार्जिन हो गया कुर्ते का, और शोल्डर का निशान हम इस तरह से मार देंगे यहाँ तक। वीडियो को पूरा देखें। अब इसको हमको कटिंग कर देना है इस तरह से। पहले गले की कटिंग करेंगे, गला थोड़ा कम ही काटें क्योंकि बैंड पट्टी बैठाने में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो बैंड पट्टी जब बन जाएगी तो गला आप फिर भी उतार सकते हैं। अगर गला बड़ा हो जाएगा तो बैंड पट्टी आपका नहीं बैठेगा, तो इसलिए आप थोड़ा गला कम काटें। इसको थोड़ा सा राउंड करें इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। फिटिंग कुर्ते में दोस्तों हमेशा याद, कटिंग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा कि दोस्तों हमने इसको कटिंग कर दिया है फ्रेंड को, अब हम इसको फ्रेंड को ऊपर इस तरह से ऐसा बिछाएंगे, आप देख सकते हैं, और यहाँ अब हम इसको बैक की कटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, हमारी दुकान जो है रोड पर है, इसके लिए थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपसे देख सकते हैं, अब हम यहाँ इसको गले को हम यहाँ ऊपर बैक का जो गला है 1.5 इंच हम निशान लगाएंगे इस तरह से,
और इसको हम इसको कटिंग कर देंगे 1.5 इंच तक, और इसको हम पूरा इसी बरोबर कटिंग करेंगे क्योंकि बैग बड़ा रहता है। अब इसको हम फ्रेंड को नीचे ले जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ हमको 2 इंच तक फ्रेंड को नीचे कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने अब यहाँ से फिर हमको शोल्डर नाप लेना है। 18 इंच शोल्डर है तो हमको 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देना है इस तरह से, और फिर इसी के बराबर हमको काट लेना है दोस्तों। और एक बात ये हमने आपको बता दिया, ये जो पॉकेट का निशान है, जो साइड में पॉकेट लगता है, यहाँ से आप इसको 7 इंची या 8 इंची सीने के हिसाब से रख सकते हैं, और फिर यहाँ से 6 इंच में यहाँ निशान लगाएं और 1.5 इंची यहाँ छोड़ दें डॉट के लिए, जो यहाँ सिलाई मारा जाता है। तो अब इसको हमको इसी तरह से कटिंग कर देना है इसको भी। इसी तरह से हमको पूरा कटिंग कर देना है। अब दोस्तों हम आपको आस्तीन की कटिंग दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि ये चूड़ीदार आस्तीन है, और इसको हम इस तरह से घड़ी करेंगे, आप देख सकते हैं। आस्तीन हमारी देखिए, हम यहाँ चौड़ाई कितना रखना है आपको, जैसा कि सीने हमारा 38 इंची था, 9.5 इंची, तो इसमें हम 0.5 इंची कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 9 इंची आएगा। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे सीधा सीधा इस तरह से। अब यहाँ से हम लंबाई नाप लेंगे, इसकी लंबाई हमारी 24 इंच है दोस्तों। कंधे पर तुरपाई होता है, आपने देखा होगा, पट्टी होगा, उसके लिए हमको यहाँ 1 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, और फिर यहाँ से हमको लंबाई लेना है 24 इंची लंबाई पर हमको निशान लगा देना है, और यहाँ पट्टी नीचे फोल्ड करने के लिए हमको 3 इंच का निशान लगाना है। कफ हमारा है 8.5 इंची है, तो हम यहाँ 4.25 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच साइड में लगाएंगे निशान, आप देख सकते हैं। और यहाँ आर्म होल के लिए हम 3 इंची डाउन करेंगे, इसलिए यहाँ से हम इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे सीधा, आप देख सकते हैं ये हमने लाइन खींच दी है। और ये जो हमारा निशान है, हमको यहाँ थोड़ा सा राउंड करना है इस तरह से, इस तरह से। अब हमारा यहाँ से 5 इंची चाप कटेगा, जैसे शर्ट में कटिंग होता है, आप देख सकते हैं, यहाँ तक निशान लगाएंगे हम, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। अभी हमारा कटिंग आगे यहाँ से घूम जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको हमको ऐसा निशान लगाने लेना है। अब इसको हमको इसको कटिंग कर देना है, यहाँ से हमको थोड़ा सा फोल्ड डाउन कर देना है इस तरह से, और हमको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमारा निशान है, हमको इसको राउंड से कटिंग कर देना है इस तरह से, ताकि ये राउंड ही रहेगा। यहाँ हम एक कट का निशान लगा देंगे और यहाँ एक कट हम मार देंगे। अब हमको थोड़ा आगे का भाग थोड़ा सा कटिंग कर देना है इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आगे का भाग हो गया, और ये हमारा आस्तीन हो गया, जो हमारा यह इतना फोल्ड हो जाएगा, और ये पट्टी यहाँ फोल्ड हो जाएगी, तो यहाँ बटन लग जाएगा। ये चूड़ीदार आस्तीन है। तो साथियों, इस तरह से कुर्ती कटिंग करें, और हम आपको पॉकेट की कटिंग बता देते हैं। ये पूरा कटिंग हमारा हो गया है। अब जेब के लिए हमको यहाँ 6.5 इंच रखना है, यहाँ फिर हमको 7 इंच रखना है, और इसको हमको इस तरह से सीधा कटिंग कर देना है। ये हमारा साइड पॉकेट हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा आप देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये दोस्तों हमारा पॉकेट का निशान हो गया। ऐसा आप चाहें तो आप राउंड भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से राउंड भी हो सकता है, और ये डिजाइन भी हो सकता है। ये हमारा थोड़ा डिजाइन वाला है, तो ज़्यादा करके फिटिंग कोट में हम यही कटिंग करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों कुर्ती कटिंग किया जाता है। अभी हम अगले वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
तो ये थी कुर्ते की कटिंग। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका दामन कैसे फोल्ड होता है, इसमें काज बट्टी कैसे लगता है, जो कि इसका जो तवीज बनाते हैं इसको कैसा बनाया जाता है, हम सभी आपको इस वीडियो में बताएँ, अगले वीडियो में बताएँगे। और कटिंग रही ये वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।